योगीराज में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला जालौन के जगमनपुर इलाके का है, जहां रात्रि के समय बदमाशों ने एक घर में धावा बोला। धावा बोलते हुए गृहस्वामी के भाई पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए घर में रखे लाखों सोने चांदी के जेवर के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़ित परिजनों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। इसमें 2:30 बजे का टाइम था, तो मेरा भाई जो है बड़े भाई चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो हम वहाँ पहुँचे तो देखा क्या कि वो लवलुआन पड़े थे और सारा सामान जेवरात सब नकदी सब ले गए थे और बुझा चुके थे। फिर हमने 100 नंबर डायल किया, तो भाई साहब जो 100 नंबर डायल नहीं हुआ, तो भाई साहब कहे फिर चौकी पे वो पुलिस वाले सो रहे थे, और इन्होंने कहा कि भाई चलिए आप, मेरे यहाँ डकैती पड़ गई, तो बोले कि वहाँ जाइए, 100 नंबर नीचे खड़ी है। नीचे गए तो वहाँ जो है मोहरम के ट्रकों पे वो वसूली कर रहे थे। फिर इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि चलिए मेरे यहाँ तो डकैती पड़ गई, बोले आ रहा है चलो। फिर हमने एसओ साहब को लगाया, उतने ही टाइम एसओ साहब ने से बात हुई और 1 घंटे बाद लगभग पुलिस आई। तो हमारा भाई जो है नीचे से चिल्लाना, बोले हमें बदमाश घेरे हैं। तो हम लोग जब दौड़ के आए, छोटा वाला भाई बीच वाले पोर्शन में लेटा था, हम ऊपर लेटे थे, और जब तक दौड़ के दोनों लोग आए तब तक वो जो है कुल्हाड़ी मार के और कुछ असलों के बल पे जो है जो पूरी सामान ले जा चुके थे, पूरा जेवरात ले गए, पूरा पैसा धन सब कुछ ले गए। सुबोध पांडे का परिवार रहता है, उनके सुरजीत पांडे भाई हैं, तो ये लोग 3 भाई का घर है मकान में, उसमें ग्रिल लगी हुई थी, तो ग्रिल का ताला अंदर से बंद था, लेकिन रात्रि में ग्रिल का ताला तोड़ करके कुछ चोर उसमें घुसाए और घुसने के बाद नीचे के कमरे में चोरी की। उसमें सुरजीत पांडे जाग गए और उन्होंने पकड़ने की चेष्टा की, बबुल के डंडे से उनको मारा है जिससे चोट आई है। बदमाश तो भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद सूचना मिली है तो पुलिस वहाँ पर तत्काल गई है और हमारी फील्ड यूनिट और भी जो टीम है वो जाकर के वहाँ पर काम कर रही है। क्षेत्राधिकारी और 2-3 थानों की पुलिस को लेकर के वहाँ पर तत्काल उस क्षेत्र की तलाशी ली गई, तो कुछ बरामदगी तो नहीं हो पाई है। सर कितना माल गया है इनका, क्योंकि 25 लाख रुपये बता रहे हैं। नहीं, 2 लाख की सूचना उन्होंने दी है और अन्य सामानों की सूची उन्होंने बताई है कि बाद में दूंगा। We'll be right back.